कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्तवान छाकलपतरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण केसरीमुख से निश्चित गीतामृत के तृतीय अध्याय के उत्तरार्ध में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि मनुष्य के पतन के मुख्य कारण काम और क्रोध ही हैं। यहाँ तक हम पहले विचार कर चुके हैं और आगे भगवान पुनः उपदेश करते हैं कि अर्जुन, ये काम और क्रोध ही हमारे मुख्य शत्रु हैं और ये इस तरह से हम पर कब्जा कर लेते हैं कि हम चाहकर भी सत्कर्म करके अपनी उन्नति नहीं कर पाते और ज्ञान लाभ नहीं कर पाते, हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं। इसका उपाय क्या है और कैसे यह कब्जा करते हैं यह भगवान बताते हैं। और देखिए 38वें श्लोक में भगवान फिर पुनः उपदेश करते हैं, धूमेन आवृहते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना तथा गर्भत तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है और अग्नि का अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता और गर्भाशय जीव को ढक लेता है, उसी तरह से यह काम और क्रोध मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा नलीन च। यह मनुष्य के ज्ञान को उसी तरह से ढक लेता है और अपने पास में ले लेता है, जैसे अग्नि में आप कितनी भी आहुति देते जाएं तो वह बढ़ती ही जाती है, न कि उसका समन होता है। हम आप भी देखते हैं कि संसार में जब हम कामनाओं की पूर्ति करने में लगते हैं और चाहते हैं कि ये शांत हो जाएं, तो ज्यों ज्यों हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वह बढ़ती ही जाती हैं। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी तैयार हो जाती है। इस तरह से हमारा संपूर्ण जीवन इन कामनाओं के पीछे ही नष्ट हो जाता है और हम अपने वास्तविक आनंद स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते इतर विमोह यत्तेस्य ज्ञानमावृत्त देहिनम। भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के अधिष्ठान अर्थात निवास स्थान है, इन्हीं को अपना निवास स्थान बना करके इंद्रियां, मन और बुद्धि के माध्यम से काम हम पर हावी हो जाता है। इसलिए तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तृसव पापमानं प्रजेयोनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। हमारे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला, हमें अज्ञान में प्रवृत्त करने वाला यह काम जो है हमारा शत्रु है, इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना ही अर्जुन मनुष्य का लक्ष्य है। फिर भगवान आगे बताते हैं, इंद्रियाणि पराणि हुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्ध्योर्बुद्धेः परतस्तु सः।
परतस्तु सह आत्मा के लिए भगवान संकेत करते हैं कि हम शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, हम तो शाश्वत आत्मा हैं, नित्य आत्मा हैं और हम अनित्य इंद्रियां, मन और बुद्धि के चक्कर में पड़ करके काम रूपी शत्रु द्वारा अपने पास में ले लिए जाते हैं, लेकिन हम आत्मा हैं इस बात को समझ करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्थ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुराशदम। यह काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है मनुष्य का, उस पर हमें आत्मस्वरूप का बोध करके विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस तरह से भगवान तृतीय अध्याय का समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत् ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।